हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट करके कहा है कि अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, ये निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो, यही हमारी प्रार्थना है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज 500 वर्ष पूर्व की लड़ाई खत्म हो चुकी है और आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जिसकी आज स्थापना भूमि पूजन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते की गई है। बहुत खुशी का दिन है, सभी लोग इसलिए आज बहुत खुश भी हैं और अपने अपने घरों से दिवाली मनाने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए सब लोग तैयार भी है। पर मेरा एक सवाल है कि जब आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि आज का दिन इस भूमि पूजन के मुहूर्त के लिए उचित नहीं है, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को इतनी क्या जल्दी थी कि वो भूमि पूजन आज ही करना था? दूसरी बात, देश में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना फैली हुई है, जिस वजह से आम व्यक्ति जिसने कई सालों से इस मंदिर को बनने की प्रतीक्षा की है, वो हर्षोल्लास के साथ उस भूमि पूजन में जाना चाहता था, परंतु इस महामारी की वजह से वो उस उत्सव में नहीं पहुंच पाया है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो उस मंदिर के भूमि पूजन में पहुंच पाए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता था कि आज पूरा देश इस भूमि पूजन में उपस्थित हो? सभी लोग, वो कार सेवक जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस राम मंदिर बनाने की मुहिम में, वहां तक कि वो लोग भी उस भूमि पूजन में नहीं पहुंच पाए। इस भूमि पूजन के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रवीण तोगड़िया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे बड़े लीडर जिन्होंने इस मुहिम को चलाया, वो भी इस भूमि पूजन में नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी एज 60 साल से ऊपर हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से 60 साल से ऊपर के 70 साल 80 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति इस महामारी की वजह से उस भूमि पूजन में नहीं पहुंच पाए। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे कि ये लोग भी इस भूमि पूजन में पहुंचे? तो मेरा बस यही अनुरोध था कि यह भूमि पूजन अगर एक साल बाद या 6 महीने बाद भी होता तो बड़े हर्ष की बात होती और सभी लोग इस भूमि पूजन में पहुंच पाते और अपना सहयोग दे पाते। जय श्री राम। महाराज साहब अनंत काल से ऋषि मुनियों के समय जब यज्ञ किया जाता था तो कहीं न कहीं राक्षसों द्वारा उस यज्ञ में विघ्न डाला जाता था। अभी आप भी उसी स्थिति में हैं और आपकी स्थिति तो सुरपंका की तरह है, नाक कटने के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं जो उस अनंत काल के समय राक्षसों की स्थिति हुआ करती थी। जय श्री राम।